everyone. I'm Vardha Sharma, editor Newsband Daily English newspaper of Navi Mumbai. Today we have with us a special guest who had come to Navi Mumbai almost 6 years back from Bihar. During lockdown, he was rendered jobless, and it was during this time he tried to embrace a profession which, although is quite popular in Western countries, is relatively new in India and more so in Navi Mumbai. We have with us Shubharan Ram Paswan, who is trying to popularize the concept of living statue in Navi Mumbai. We all know how difficult it is to pose as a statue or mannequin and stand there for hours with realistic statue-like makeup. Shubharan, can be seen standing for hours at Sagar Vihar and Mini Seashore in Vashi as the Golden Man, a nickname which he has earned from the residents of Navi Mumbai. Welcome, Shubharan. Namaskar. मेरा नाम real नाम मेरा Shubharan Ram Paswan है. मैं बिहार से हूँ और जो public मुझे नाम दिया है Gold Man Statue. गोल्डन मैन स्टैच्यू. तो शुभरन, हम तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप बिहार से मुंबई क्यों और कब आए? जी जी, मेरा घर का स्थिति बहुत खराब था. मेरा पापा का अभी भी किडनी खराब है. 15 साल से हम लोग, मेरा पापा का किडनी खराब चल रहा है. बहुत गरीब घर से बिलीव करता हूँ. मेरा फादर दूसरे खेत में काम करता है, मम्मी दूसरे घर में काम करती है. बट मेरा भी सपना था, कुछ मेरा सपना था कि मैं बचपन से कुछ जाके बनू, मतलब कुछ मुझे डायरेक्टर बनने का बहुत शौक था. मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था, अंदर होता ना कीड़ा. तो मैं बम्बई एक सपना की शहर है, मुझे लगा है शायद बम्बई जाके मेरा सपना पूरा हो जाए. तो घर से तो निकलने का मौका नहीं मिलता, तो घर का सिचुएशन बहुत खराब था, बहुत ज्यादा गड़बड़ था. घर के छोड़ के भी नहीं आ सकते थे, लेकिन पापा को मैंने बोला मुझे बाहर जाना है, कुछ करना है. पापा ने मुझे 2014 में बम्बई घर से निकला. बम्बई मैंने गाँव वाले से, दोस्त से, किसी से पैसा लिया मैं ब्याज पे, 5 रुपये ब्याज पे, और मैंने घर से निकल गया बम्बई के लिए. फिर जब मैं बम्बई आया, तो जब मैं बम्बई स्टेशन पर उतरा, तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब बहुत बड़ा बम्बई है, यहाँ पे बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, कौन मतलब मेरा कौन सुनेगा. मैं तो बहुत गरीब, मुझे मैं पहली बार आया, मुझे कौन सुनेगा, मेरा बात किसको समझ में आएगा. तो मुझे बहुत ये मतलब भारी लगा. और मैंने 2-3 जगह जाकर मैंने इंटरव्यू भी दिया, वहां मैंने सेलेक्ट नहीं हुआ कुछ कारणवश से. उसके बाद मैंने ऐसा करते करते जब कुछ दिन हो गया, 1-2 महीना, मेरा पैसा पूरा खत्म हो चुका. फिर मैं स्टेशन पे मैंने 4-5 दिन मैंने वड़ा पाव खाया, स्टेशन पे सोया, कैसे कैसे मैंने टाइम बिताया. फिर मेरा जीजा ने मुझे फोन किया कि तुम्हारा पैसा भी खत्म हो गया, काम भी नहीं लग रहा है, जिस काम से आया था तो काम करो, वॉचमैन नहीं लग जाए. तो मैंने वॉचमैन ही काम शुरू किया, मुझे लगाया काम पे. तो कोपर खेलना सेक्टर 10 में, रो हाउस में मैंने वॉचमैन ही काम 24 घंटा काम किया. वहां भी मुझे बहुत तकलीफ हुआ, मतलब रहने के नहीं था, सोने की व्यवस्था नहीं था, पानी की नहीं था, लाइट की नहीं थी. रात का अंधेरा में खाना बनाना सब कुछ करना, रात रात भर जगना, बारिश के टाइम तो जब सोता था तो बिस्तर के नीचे पूरा पानी जाता था, मतलब मच्छर बहुत काटता था. फिर भी मतलब 24 घंटा ड्यूटी था, बहुत परेशानी हुआ 2 साल तक. बाद में उन्होंने बना कर दिया मेरे को थोड़ा सा, शुरू में बहुत तकलीफ हुआ. उसके बाद मैंने 5 साल मैंने वॉचमैन ही काम किया. फिर उससे भी मेरा घर का स्थिति नहीं ठीक हो रहा था, चूंकि 5-6 लाख रुपया लोन अभी भी मेरे पास है. और घर का पापा का किडनी खराब अभी भी मतलब चालू है, बहुत मतलब तकलीफ हम लोग झेल रहे हैं. तो मैंने सिक्योरिटी से मैंने बात किया कि मुझे सर पार्ट टाइम कुछ काम करना है, प्लीज मुझे 1 घंटा के लिए टाइम दीजिए. मैंने 1 घंटा टाइम निकाल के अपने सिक्योरिटी साहब से और मैंने मसाज का काम सीखा, जिसको थेरापिस्ट बोलते हैं, मसाज, बॉडी मसाज का. मैंने थेरापिस्ट का मैंने पढ़ाई किया, मेरे पास सर्टिफिकेट भी है. उसमें जो भी आता है मसाज, अरोमा डिप्टी से फुल बॉडी था, एस्टर्न आयुर्वेदिक अरोमा, सब मैंने किया. तो पार्ट टाइम मैंने 1 घंटा वो भी काम करना शुरू कर दिया. कुछ मेरा थोड़ा स्थिति ठीक था, कुछ लोन वाला भी मैं पे किया करता था, घर भेजता था, अपना घर चलाता था, जो भी खाना पीना होता था चलाता था. फिर उसके बाद जो है सो लॉकडाउन शुरू हो गया. अभी लॉकडाउन जब शुरू हो गया, मैं गांव गया था तो सब काम मेरा बंद हो गया, काम भी छूट गया. फिर मैं वापिस बम्बई आया. उसके बाद फिर मैंने जब मैं काम शुरू किया तो मुझे
और फिर काम वहां पे नहीं मिला, मैंने बातचीत किया तो नहीं मिला। उसके बाद मैंने मुझे मैंने मेरा एक दोस्त काम लगाया अमेजोन में, मैंने अमेजोन में काम किया। फिर मैंने सोचा कुछ ऐसा करूँ ताकि मैं अपना नाम भी रोशन करूँ, दूसरी बात मैं अपना न्यू बम्बई का नाम, बम्बई का नाम, इंडिया के नाम में अपना रोशन करूँ। इसके लिए मैंने कुछ अलग हटके शुरू किया। तो मैंने गूगल पर जब मैंने सर्च किया तो मुझे लिविंग स्टैचू मुझे दिखाई दिया, और मैं सोचा क्यों नहीं मैं लिविंग स्टैचू बन के इंडिया में नाम कमाऊँ, इंडिया के नाम ऊपर करूँ, ताकि मैं एक लिविंग स्टैचू नाम से, गोल्ड मेडल नाम से मैं जाना जाऊँ। तो मैंने इसके लिए 4 महीना मैंने प्रैक्टिस किया घर बैठे बैठे। फिर मैंने पूरा सेटअप, मेकअप जो है होता है, पेंट शॉर्ट गॉगल चश्मा वो जो भी होता है, वो भी मेरे पास पैसा नहीं था। तो फिर मैंने दोस्त से 3,000 रुपया लिया मैंने ब्याज पे। उसके बाद मैंने मुझे सब सामान इकट्ठा करने में, गॉगल शूज पेंट सब, एक मुझे करीब 1 महीना लग गया। ये जो कॉन्सेप्ट है शुभरंग, जो ये कॉन्सेप्ट है लिविंग स्टैच्यू का, ये भारत में, इंडिया में बहुत प्रचलित नहीं है, बाहर तो है, यहाँ नहीं। तो आपको ऐसे कैसे लगा कि मुझे ये वाला प्रोफेशन अपनाना चाहिए, कैसे आपके मन में आया? जी मैंने गूगल पे सर्च किया तो मुझे ये अच्छा लगा, क्योंकि ये एक अलग हटके, मैं सोचा कुछ अलग ऐसा करो कि कुछ अलग हटके करो, ताकि बहुत कठिन है काम है ये, बहुत मतलब हार्ड वर्क है ये। फिर मैंने ये शुरू किया। ये शुरू करने से पहले मुझे ऐसा लगा कि बहुत आसान होगा, लेकिन आसान नहीं है मैम। इसमें बॉडी को कंट्रोल करना, सांस को 2-2 घंटा तक रोकना, 1-2 घंटा तक सांस रुकता नहीं है, पर सांस तो चलता है, पर सांस को अस्थायी करना, अंदर से सांस एकदम से स्लो में चलाना, सांस को बॉडी को कंट्रोल करना, ऐसा लगता नहीं है। जब मैं परफॉर्म करता हूँ ना, अगर आप आएंगे देखने के लिए तो आपको नहीं लगेगा कि इंसान है, बहुत लोग तो डर जाते हैं, अरे ये तो मतलब पुतला है, ये स्टैचू है, सच में स्टैचू है, पुतला है, इंसान नहीं है। पर मेरा परफॉर्म ऐसा रहता है ना, एकदम सेम टू सेम गोल्ड मैन की तरह, स्टैचू की तरह। आपने ये कैसे सोचा, आपने कैसे सोचा कि मुझे गोल्डन मैन बनना है? क्योंकि बहुत सारे बाहर तो बहुत तरीके से स्टैचू लोग अपनाते हैं, आपने गोल्डन मैन क्यों चुना? स्टैचू मैन, गोल्ड मैन तो मुझे पब्लिक नाम दिया, मुझे उसका परफॉर्म मुझे अच्छा लगा, पब्लिक ने मुझे बहुत प्यार सपोर्ट कर रहे, प्यार कर रहे वो लोग, मैं अच्छा लगा तो उसने मुझे, पब्लिक ने मुझे नाम दे दिया गोल्ड मैन। बस गोल्ड मैन स्टैचू में नाम थोड़ा हो गया मेरे को, बट मैं तो ये तो लिविंग स्टैचू बोलते बाहर देश में, और इंडिया में तो स्टैचू बोलते। तो मैंने गूगल पे सर्च, जब सर्च किया मुझे लगा ये आसान होगा, आसान नहीं था मेरे लिए, बहुत हार्ड वर्क था शुरू शुरू में। क्योंकि ये जब मैंने गूगल पे सर्च करके मैंने इसका रिहर्सल किया 4 महीने तक, मतलब 2-3 घंटे घर में जाकर मैंने रूम बंद किया, फिर एक अलग हटके मैंने रहना, खड़ा रहना, स्टेप में रहना खड़ा, हाथ हिलाना नहीं, हाथ कंट्रोल करना, सांस रोकना, ये सब बहुत हार्ड मेरे लिए बहुत हार्ड हुआ मैम, बट मैंने किया, मुझे करना था, मुझे एक सपना पूरा करना था कि मैं अगर ऐसा हटके करूँ ताकि मुझे लोग प्यार करे, मुझे लोग पसंद करे, जब ताकि पब्लिक के प्यार मुझे मिले, पब्लिक के प्यार मुझे अच्छा लगे, पब्लिक प्यार मुझे बहुत मिल रहे, बहुत सपोर्ट कर रहे, उसके लिए थैंक यू सो मच पब्लिक, और थैंक यू सो मच मैम, आपको भी, आप लोग के सपोर्ट से मैं कुछ कर रहा हूँ। शुभरंग, जब हम लोग कुछ भी नया काम करते हैं, क्योंकि नया है हमारे, क्योंकि इतना ज्यादा लोगों को पता नहीं है, तो दिक्कतें भी बहुत आती हैं। आपके रास्ते में क्या क्या दिक्कतें आई? मुझे तो मैम बचपन से बहुत दिक्कत, बहुत मतलब तकलीफ हुआ मेरे को, क्योंकि मैं बहुत गरीब घर से बिलोंग करता हूँ, गाँव में मैं था, तो वहाँ पे मैं बिहार से रहने वाला हूँ, दरभंगा जिला बेनीपुर प्रखंड है मेरा, और नवादा पंचायत घोंघिया का निवासी हूँ मैं, मेरा लक्ष्मणपुर घुंगिया निवासी पड़ता है, गांव पड़ता है। बचपन से मेरे पास ना खेत है, ना कुछ है, घर जमीन रहने के लिए मेरे पास जमीन भी नहीं है, दूसरे की जमीन जमीन पर मैं रहता हूँ, जो मुझे जमीन दिया है दूसरे गांव वाले ने उसमें रहता हूँ। उसमें भी मुझे पड़ोसी ने बहुत परेशानी किया, 15 साल से जादव की बस्ती है, थोड़ा बदमाश एरिया वो लोग, हम लोग थोड़ा SC कास्ट के है, वो लोग मुझे हमेशा घर में घुस के मारपीट जबरदस्ती जो भी करता है करता है। बट मैं तो बहुत मतलब बुरा हाल से गुजरा हूँ, अभी भी थोड़ा गुजर ही रहा हूँ, सोल्यूशन नहीं पूरा हुआ। गांव में घर भी मतलब कर्जा पहले घर की बहुत दिक्कत है रहने के लिए, पानी बरसा बहुत तकलीफ था, अभी भी तकलीफ है, लेकिन अभी थोड़ा ठीक है, क्योंकि मैंने गांव वाले का सहारा लिया, कुछ मैंने बम्बे से लोन लिया, लोन लेकर मैंने गाँव में घर बनाया, था कि मेरा बाप
बाप माँ जो है बुढ़ापे में मेरा मेरा आपसे प्रश्न ये है कि आपने जब गोल्डन स्टैच्यू जो ये प्रोफेशन है इसमें आपको क्या दिक्कतें आई ये अपनाने में? ये मुझे जब मैं परफॉर्म करना शुरू महसूस करूंगा मेरे पास पैसा नहीं था, मैं तो बोला ही आपको जो मैंने दोस्त से लेकर शुरू किया मेरे पैसा नहीं था, दोस्त ने मुझे बहुत सारे भला बुरा बोला, मतलब कुछ गलत भी बोला बहुत जन जो मतलब क्या बनने का जोकर वाला काम होता है भिखारी वाला काम होता है क्यों भीख मांगने का, कुछ काम कर ले इसमें कोई नाम नहीं है कोई इज्जत नहीं है कोई मान सम्मान नहीं है कोई तुमको कुछ कुछ भी बोल देगा। मैम ये बात थोड़ा 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 शुरू में मुझे लगा कि मतलब मैं जब शुरू किया शुरुआत में कुछ लोगों ने मुझे खड़ा होने से मुझे मना कर दिया, कहीं मुझे परमिशन नहीं मिला तो कहीं मुझे मेरा दोस्त ने मुझे मुझे भला बुरा भी बोला और मुझे बहुत सारे जो तकलीफ भी झेलना पड़ा, कुछ लोग आते थे मेरा आंख में उंगली करते थे, कुछ लोग आए मुझे धक्का मार दिए, बहुत लोग आए मेरा कैप निकाल लिए, मुझे वही अब जो भी सोचो मस्ती मजाक सोचो या जो भी सोचो कई लोग एक दिन मेरा ऐसा हाल हुआ कि मतलब मेरा आंख में रियल मेरा आंख उंगली डाल दी, मुझे लगा कि मस्ती कर रहे लेकिन वो सीरियस में डाल दिया, मुझे इतना पेन हुआ मुझे, मैं 2 घंटा तो मुझे होश नहीं आया, मैं नीचे गिर गया, फिर मैं दवा खाना आया दवा वा लिया, बस यही सब मेरा कठिनाई हुआ मैम। बहुत सारे थोड़ा जो शुरू में था एक 2 महीना तक मुझे बहुत कठिनाई बोलना, बहुत लोग बोलता था बहुत लोग गाली भी दिया मेरे को वो भी मैं सुन के ले लिया। अभी तो, लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहती है? अभी अभी जो लोग मुझे गाली दिए जो लोग मुझे भाला बुरा बोले उसको मैं प्रणाम करता हूँ, अभी उन लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं मतलब आप लोगों के लिए कर रहा हूँ अपने देश के लिए कर रहा हूँ अपने इंडिया के लिए कर रहा हूँ बॉम्बे के लिए कर रहा हूँ मैं, वो लोग बहुत मुझे सपोर्ट मुझे प्यार कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप कहाँ खड़े होते हैं स्टैच्यू बनकर? मैं न्यू मुंबई में रहता हूँ 12 में मैं स्टैच्यू बन के खड़ा रहता हूँ वासी में सागर बिहार में 4 से 6 बजे तक, संडे को तो मैं थोड़ा पहले खड़ा हो जाता हूँ संडे पब्लिक ज्यादा रहता है और बाकी टाइम में 4 से 6 रहता हूँ खड़ा, फिर 6 बजे से 7 बजे रहता हूँ मैं मिनी सिसोर में, फिर 7 से 7:30-8 बजे तक मैं रहता हूँ कपड़ा मार्केट है 9 में वहाँ पे रहता हूँ 9 में कपड़ा मार्केट 9 में वासी। अच्छा अच्छा वहाँ में अभी स्टेशन का मुझे परमिशन नहीं मिला है वासी स्टेशन का, मैंने सिडको साहब से बात किया हूँ उसने बोला मैं आपको थोड़ा माहौल शांत होने दो फिर मैं देता हूँ परमिशन फिर आप पोस्ट कर। अच्छा शुभरन हमें बहुत मन है कि हम दर्शकों को दिखाएं कि आप गोल्डन मैन बन के कैसे लगते हैं। जी बिल्कुल मैम मैं यही बोलूंगा कि मतलब जनता आप लोग मुझे सपोर्ट करें, हम आपकी वजह से ही हम कुछ कर पाएंगे, आप लोग भी हमेशा हमेशा साथ मेरे देते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच, अगर आप लोग नहीं हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इसके लिए आप मुझे प्यार देते रहिए सपोर्ट करते रहिए आपकी मैं सदा आभारी रहूंगा। हाँ जी शुभरन आपको तैयार होने में कितना समय लगता है? जी मैम 1/2 घंटा लगता है तैयार होने में मेरे को। अच्छा और आप दिन में तकरीबन कितना कमा लेते होंगे शुभरन? अभी तो पब्लिक में कमाते दिन में कम से कम 200-400 रुपया तो कमा लेते हैं। अच्छा तो स्टैच्यू के अलावा क्या आपको कोई प्राइवेट पार्टीज या उसमें भी बुलाते हैं पब्लिक गैदरिंग? अभी तो खैर लॉकडाउन में तो ये सब अलाउड नहीं है बट वैसे किसी ने बुलाया इसलिए? जी बर्थडे में मुझे बर्थडे में बुलाते बर्थडे में जाता हूँ मैं। अच्छा। शादी वगैरह में बुलाते हैं, शादी में भी नहीं जाता हूँ उधर ज्यादा मतलब गर्दी रहता है इसके उधर नहीं जाता हूँ मैं, बर्थडे वगैरह में जाता हूँ शूट वगैरह में जाता हूँ हम लोगों ने देखे हैं कुछ वीडियोस जो बाहर से आते हैं कि इस तरह के लिविंग स्टैचूज थोड़े से प्रैंक भी करते हैं स्टैचू मजाक भी करते हैं लोगों के साथ, इस तरह से आपने कभी कुछ किया? जी नहीं किया पर पब्लिक को डिमांड के हिसाब से पब्लिक अगर बोलते हैं कुछ किसी को डराने हैं किसी को मतलब बोलने हैं तो उस पब्लिक डिमांड के अनुसार से पब्लिक जो बोलते हैं उसके बाद में करता हूँ बिना मैं अपना मन से नहीं करता। अच्छा आगे आपका क्या करने का इरादा है?
बस मैम मुझे तो एक सपना था कि मैं एक्टर बनूं बम्बई में आया। मेरा बम्बई एक सपना की शहर है, यहाँ पर सबों की सपना पूरा होता है। मैं सोचा मेरा भी एक जरिया है कि मैं इस जरिया से सपना पूरा कर सकता हूँ बम्बई में। बस मुझे कहीं कुछ भी मुझे कहीं मुझे सपना है कि मैं बॉलीवुड में काम करने का मौका मिले, कुछ भी रोल मिले, एक छोटा सा रोल मिले बॉलीवुड में काम करने के लिए, वहाँ जाकर मैं काम कर सकूँ। ये मेरा एक सपना है, यही मेरा एक लक्ष्य है। यही लक्ष्य में आया हूँ बिहार, बिहार से बम्बई आया हूँ। 5 साल 6 साल मेरे को हो गया, अभी तक तो पूरा नहीं हुआ, बट मैं करता रहूंगा। आप लोगों को मैं करता रहूंगा, आप लोग चाहे मुझे मिलता रहेगा, मैं करता रहूंगा। आप और भी कोई दूसरे स्टैचू के कपड़े पहन के खड़े होते हैं या सिर्फ एक ही तरह का स्टैचू आप बनते हैं? नहीं मैम, मैं इससे भी यही कपड़ा पहनता हूँ। अच्छा, फिर मैं जो कपड़ा भी पहना हूँ गोल्ड बैंड वाला वही पहना हूँ। अच्छा, और आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके दर्शकों को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप सबको नमस्कार मेरी तरफ से। मैं गोल्ड बैंड स्टैचू, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे प्यार दीजिए, और मुझे एक्टर बनने की या कुछ मुझे अगर कुछ बनना है तो मुझे आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोग लिए जैसे मैं कुछ कर सकता हूँ, इसलिए आप लोग मुझे हमेशा सपोर्ट कीजिए। और मैं आप लोग हमेशा सपोर्ट करते हैं, करते रहिए हमेशा के लिए। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच शुभरन। एंड द व्यूअर्स, प्लीज स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, डू फॉलो ऑल द COVID-19 प्रोटोकॉल्स। थैंक यू शुभरन। मेरा इंस्टाग्राम है गोल्डमैन स्टैच्यू, और मेरा फेसबुक वही है आईडी गोल्डमैन स्टैच्यू, और ट्विटर भी वही है गोल्डमैन स्टैच्यू। प्लीज मुझे आप लोग इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए गोल्डमैन स्टैच्यू नाम से। थैंक यू सो मच। थैंक यू।